नमस्ते, मैं डॉक्टर रितु चौधरी, BMS सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज मैं आपको शारदा आयुर्वेदा सेंटर की तरफ से जो एक और चालू किया गया है BMS स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, उसके बारे में बताऊंगी। उसके अंदर टैबलेट्स, वटी, भस्म आदि को बनाने की विधि, बिल्कुल जो इजी मेथड होता है वो, और उनके अचूक फायदे जो कि हमने बुक्स में लिखे हुए हैं लेकिन हम उनको नोटिस नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि पेशेंट आता है और वो बोलता है कि हमें जल्दी से ठीक कर दीजिए, और हम आयुर्वेद है स्लो है उसकी वजह से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्चुअली में होता क्या है, जो पेशेंट है पहले एलोपैथिक मेडिसिन खाता है, एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के वो इतना परेशान होके ही आयुर्वेद में आता है। बहुत तो अब तो काफ़ी पेशेंट सीधा आयुर्वेद में आने लग गए हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान होके आते हैं। फिर क्या होता है, उनकी जो पेशेंस है, सब्र है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, तो उनको जल्दी रिलीफ चाहिए होता है। और अगर वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, वो अगर उनको जल्दी ट्रीटमेंट के लिए महंगी कंपनी की दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि वो एलोपैथिक में काफ़ी खर्चा कर चुके होते हैं, तो उनके पास ये होता है कि सर हमारे पास इतना वो भी नहीं है कि हम ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें, और महंगी ब्रांड अच्छी जिनकी औषध हैं ब्रांड से हम लेते हैं, तो उनका ये होता है कि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। और अगर हमें उन्हें थोड़ी सी सस्ती ब्रांड की दवाई देते हैं तो उसके उनको रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है, उनको टाइम भी नहीं ज़्यादा लगना चाहिए और जल्दी ठीक हो जाए ऐसा चाहिए होता है। तो अगर हम खुद से मेडिसिन बनाते हैं तो उनके रिजल्ट, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो जिन्होंने अनुभव किया होगा कि उनके कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, विद इन 1 वीक पेशेंट को रिलीफ लगना शुरू हो जाता है। बहुत सारे डॉक्टर जिन्होंने अभी अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है या फिर जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, करने वाले हैं, वो लोग ये फेस कर रहे हैं, तो उनको मतलब बताया जाएगा कि कैसे वो अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सके, औषध का ज्ञान उन्हें होगा तभी तो वो पेशेंट को जल्दी ट्रीट कर पाएंगे। तो उनको अगर कोई भी क्वेरी है तो वो इस कोर्स में उनको बताया जाएगा। मोस्टली जो डॉक्टर हैं मैंने देखा है कि वो ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास पेशेंट तो आते हैं लेकिन हम उनको ट्रीट ही नहीं कर पाते, 1 महीना हम दवाई देते वो ठीक नहीं होता, हम दूसरे महीने कुछ और दवाई, दूसरी मेडिसिन ट्राई करते हैं, तब तक पेशेंट चला जाता है। तो हमें मेडिसिन का, औषध का अच्छे से ज्ञान होगा तो हम उसे पहले स्टार्टिंग में अच्छी मेडिसिन देंगे, उसको रिलीफ होगा। तो औषध का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे पेशेंट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जो मुझे बोलते हैं कि मैम आपको इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है तो फिर भी आपके पेशेंट कैसे ठीक हो जाते हैं, या फिर आप हमें क्लासेस दे रहे हो, आप हमें बताओगे, आपको इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। एक्सपीरियंस तो एज के अकॉर्डिंग ही आता है, एज के साथ साथ, लेकिन वो भी तभी आएगा जब हमें कोई नॉलेज होगी। तो नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, सही नॉलेज होगी तभी हम उसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो हमें एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। नॉलेज का होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक्सपीरियंस हमारे हाथ में नहीं होता है। तो नॉलेज के लिए देखो, एक बार जैसे कि सिरसूल आदि वज्र रस है, इसका सबको पता है कि भाई ये सिरदर्द में काम आता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिरदर्द में ही काम आता है, इसका पूरा प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मैंने तो बहुत सारे पेशेंट्स को नी पेन में, बैक पेन में इसका यूज़ कराया, जबकि महायोगराज या कोई अदर मेडिसिन पेशेंट पहले से खा चुका है, उनको रिलीफ नहीं आया, इससे रिलीफ आ जाता है। तो नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास एक पेशेंट आई जिसको कि वेट गेन करना था, वो पहले किसी और आयुर्वेदिक डॉक्टर से उसने मेडिसिन ली थी। वेट गेन का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि पहले अग्नि को इंक्रीज करना, देन ब्रह्म चिकित्सा। तो उसको क्या हुआ था कि उस डॉक्टर ने चित्रक आदि वटी दिया था जो कि अग्नि को बढ़ाती है, अच्छा है, लेकिन उस पेशेंट की प्रकृति पित्त प्रकृति थी। डॉक्टर ने उसको चित्रक आदि वटी दिया हुआ था और उसकी वजह से उसकी अग्नि तो इंक्रीज हुई लेकिन उसको लूज मोशंस और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई। उसने मतलब औषध का जो चैन है वो नॉलेज होती है तो हम अच्छे से कर पाते हैं। चित्रक आदि वटी अग्नि बढ़ाता है लेकिन अगले की कंडीशन, बॉडी की प्रकृति भी देखनी होती कि इसको कौन सी मेडिसिन देनी। अग्नि बढ़ाने की बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, तो औषध का ज्ञान होना ज़रूरी है। और रही बात अनुभव की, एक्सपीरियंस की, ज़रूरी नहीं है कि हम
जब तक 60-70 के होंगे तब हमें अनुभव होगा, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करना शुरू करें। हम किसी भी जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं या जिनको नॉलेज है, जिनको अनुभव है, उनके पास प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनसे उनके जो कोर्सेज वगैरह आते हैं वो ज्वाइन करके सीख सकते हैं। जैसे मैंने नॉलेज को गेन किया और एक्सपीरियंस के लिए, अगर मैं खुद अनुभव करती क्या होता, अगर हम खुद से अनुभव करते हैं तो हमें कोई भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। यानी कि हमारी 60-70 एज हो जाएगी तब जाके हमें उस चीज़ की अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। क्या हम उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर हमें अनुभव जल्दी लेना है तो जो लोगों को काफ़ी अनुभव है, जो 40-45 साल से अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनको अच्छी नॉलेज है, अगर हम उनसे सीखते हैं तो हमें जल्दी अनुभव मिल जाता है। अब जैसे मैं हूँ, मैंने जो मेरी एक डॉक्टर पूजा मैम है, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, डॉक्टर डीपी सर हैं, इनसे सीखा है। अगर मैं खुद सीखती तो मेरी एज 60-70 हो जाती, तब जाके मुझे इन चीज़ों की नॉलेज होती, एक्सपीरियंस होता। लेकिन अगर हम किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से या टीचर से सीखते हैं तो हमें जल्दी उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है, और खुद से प्रैक्टिस करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और जैसे मेडिसिन है, हम बुक से पढ़ के खुद बनाने की ट्राई करते हैं, वो बहुत बार गलत बन जाती है, फिर हमें मतलब मनी का भी वेस्ट होता है, प्रोडक्ट का भी वेस्ट होता है। तो किसी जिसको एक्सपीरियंस होता है उनसे हम सीखते हैं तो हम अच्छी मेडिसिन बनाते हैं, इसमें टाइम भी बचता है, मनी भी वेस्ट नहीं होती और प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होती। जो नॉलेज होती है वो एज को मैटर नहीं करती कि आपकी कितनी एज है, कि एज के अकॉर्डिंग ही आपको नॉलेज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही हमें नॉलेज होती जाएगी। आई एम वेरी थैंकफुल शारदा आयुर्वेदा सेंटर, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी नॉलेज को बाकी डॉक्टर से शेयर करने का, ताकि वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर बन सके, औषध का अच्छे से नॉलेज गेन कर सके। धन्यवाद।